गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज आए हैं हमारे पास हरियाणा से दीपक जी और इनकी फैमिली है। कैसे हैं आप सब? तो कब पहुंचे थे आप? रामनगर ही मॉर्निंग पहुंचे थे। ये रामनगर पहुंच गए थे सुबह, और हमारा शॉप ओपन होने का टाइमिंग होता 8 बजे का, तो भैया लोगों को शायद पता नहीं था, तो सुबह आ गए थे। अब यहाँ नेटवर्क आता नहीं है, नंबर तो आपके पास था ही मेरा, तो उधर ताऊ जी से फिर फ़ोन करवाया था, उनका BSNL का नंबर है। तो फिर हम भी आनंद फानंद में पहुँचे हैं यहाँ पे आपसे मिलने के लिए। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। तो अभी अभी का क्या टूर है आपका? अभी हम नैनीताल जाओगे। कैसा लगा आपको हरियाणा से? ये जगह कैसा है? अच्छा। चलिए, क्या आपको घर पे टीवी पे सीरियल भी देखने देते हैं या सिर्फ हमारा ब्लॉग चलता है? अच्छा, चलिए ठीक है, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। ओके, बेस्ट ऑफ लक। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग भी सब सही होंगे। दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9:30 से, और आज मैं जा रहा हूँ मरचुला सुशील अंकल जी के पास। उनको थोड़ा कुछ काम करना था, तो उनके साथ थोड़ा हेल्प करने के लिए। सुंदर खाल से मरचुला तक की एक ड्राइव भी हो जाएगी, और आज मैं पहली बार पहाड़ी रास्ते पे लेके जा रहा हूँ गाड़ी को। आई होप कि सब कुछ ठीक रहेगा। 4 बरसात के बाद देखिए ग्रीनरी क्या गजब हो गई है कॉर्बेट में। धनगढ़ी नाला, और अभी जो हाल ही में जो बहुत तेज बरसात हुई थी, 3 घंटा बरसा था उस दिन, तो सबसे पहला नाला आया था उस दिन। ये इस पे जाम भी लगा था, तो पहली जो बरसात होती है उसमें जंगल के जितने भी पत्ते वगैरह होते हैं सारे बह के आते हैं। इधर घास होने लगी है, तो गांव वाले घास काटने आए हुए हैं यहाँ पर। और ये देखिए, ये सारे पत्ते जंगल से बह के आए। ब्रिज का काम अभी ज्यों का त्यों है। अभी द फेमस 0 पॉइंट, ये है दोस्तों पनाली नाला, और इस नाले पे चल रहा है आजकल काम। ये गड्ढे हैं यहाँ पे, तो बरसात से पहले इसको ये सही कर देंगे ताकि बरसात में दिक्कत ना आए, क्योंकि पानी में ये रोड ज़्यादा ख़राब होती है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है जंगल, अब एकदम हरा भरा। चिमटा खाल, और चिमटा खाल में बरसात में इतना गजब बादल लगे रहते हैं। आप कभी लगी हुई बारिश में कभी यहाँ पे आएंगे तो आपको पूरा ये ढका हुआ मिलेगा बादलों से। यहाँ से राइट भवनखाल और सीधा मरचुला। पहुँच गया हूँ दोस्तों मरचुला, और मरचुला में जो वाटरफॉल है सलोना वाटरफॉल, वो उसके दिन अब और अच्छे आने लगे हैं, क्योंकि बरसात आने लगी है और बरसात में बहुत अच्छा हो जाता है। तो अगर कोई भी अगर प्लान कर रहे हो तो मरचुला वाटरफॉल एक बार ज़रूर आएं, देखने लायक है और अच्छी खासी हाइट है उसकी, और उसका रास्ता मैं आपको बता देता हूँ।
देखिए जैसे ही आप मरचूला पहुंचते हैं, सालवन रिजॉर्ट सबसे पहले आता है और उसके बाद आता है सलूना रिजॉर्ट, जो कि बिल्कुल सामने आपको बोर्ड दिख रहा है ये, और यहीं से ये जो आम का पेड़ है यहीं से लेफ्ट रास्ता जा रहा है नीचे को, ये नीचे को रास्ता जा रहा है, ये तरंगी को फॉलो करना है आपने, और तरंगी से पहले पहले ही आपको वाटरफॉल नज़र आ जाएगा, एक नाला सा बहता हुआ आता है उसी पे आपने अंदर जाना है और वाटरफॉल के मज़े लो मस्त करके। और अगर आपको रामगंगा रिवर पे जाना है तब भी आप यहीं से लेफ्ट होके नीचे जाएंगे रामगंगा रिवर पे, और अगर क्रोकोडाइल पॉइंट देखना है तो जैसे मैं चल रहा हूँ इसी रोड पे मरचूला मार्केट वाली रोड को फॉलो करते हुए जाना है और आपको क्रोकोडाइल व्यू पॉइंट दिख जाएगा सामने। इधर सामने क्रोकोडाइल पॉइंट, और क्रोकोडाइल दिख भी रहा है, देखिए ये लेटा हुआ है। ये मरचूला का चेक पोस्ट, लेफ्ट आपको पौड़ी गढ़वाल के लिए लेके जाता है और राइट आपको मानीला सराय खेत होते हुए लेके जाता है, तो हमें जाना है इस वाली रोड पे झड़गांव के लिए। मानीला 46 किलोमीटर है यहाँ से। जी अंकल के नए गांव उधर सामने चल रहा है काम, ये है जी अंकल की नई प्रॉपर्टी जिसमें चल रहा वॉल का काम अभी, इधर ही कहीं साइड लगाते हैं, शायद अंकल अभी आए नहीं। अंकल की प्रॉपर्टी के बराबर में एकदम बंदर की कॉल चल रही है। हमें ढूंढना पड़ेगा है कहाँ पर।
दोस्तों लेपर्ड ये जा रहा है, देखिए इधर कहीं था, इधर कहीं था, ये जा रहा है अंकल। ये देखो, वो देखो, ये देखो, ये गया। इससे देखो, इससे देखो, कैमरे से देखो ना, बाइनोकुलर से। फिर गुम हो गया। ये गया, ये गया, ये गया। अंकल दिखा? हाँ, एकदम लास्ट में पहुंच गया। भाग दी क्यों मातो? वो खिरोड़ा मंत्र पढ़। अंकल ये मत, ये पेड़ दिख रहा है, ये पेड़, हाँ। इसके सामने ऊपर यहाँ पर, यहाँ। अच्छा अच्छा, ये साले को फोकस करो। ठीक ठीक, अब उधर को सक गया। अब दिखेगा बगल वाले टीले पे, दिखेगा मुश्किल दिखेगा। रोली में, रोली से बाहर अभी नहीं आएगा। बार्किंग डियर है इस तरफ को और ऊपर थे लंगूर, तो उन्होंने पहले कॉल करी, फिर बार्किंग डियर और लेपर चले गए उस तरफ। हाँ तगड़ा है, गुलदार टाइप में है, गुलदार ही है। अब जाएगा इस वाले टीले पे। अंकल अब अंदर आगे वाला, वो आगे ऊपर, हाँ ये लोग आगे नहीं, कौन है पता नहीं है ना, इनको फोन किया। आवाज मान रहे हैं बड़े बूढ़े हैं ये, डरना ये हमेशा। हाँ बोल दो उनको, है तो जेंट्स सारे, कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर को ना चले जाए। ये जो पेड़ है बस जहाँ पे खड़े ना, इसी के नीचे तो है वो। उधर देखो तुम, उधर चला गया वो, उसी कुछ में कोई मतलब नहीं है। हाँ तो नहीं दिख रहा फिर अभी। आप देखो आज अंकल के इस बाइनोकुलर ने कमाल कर दिया। इसमें इसमें से देखा मैंने और बहुत क्लियर दिखा। लोग आगे ना, वो बैठ गया होगा, वो छुप गया होगा ऊपर, लोग आ गए जहाँ पे ये खड़े है इसी के नीचे, इस वाले जगह में है लेपर्ड। ये है अंकल की प्रॉपर्टी सामने, और अभी काम चला ही है, बहुत काम बाकी है अभी। अभी तो 5% भी नहीं होना अंकल काम पूरा, 2%। और सामने इस वाली पहाड़ी पे अभी कुछ दिन पहले क्या मारा, गाय मारी थी ना, गाय मारी थी इसी पहाड़ी पे ऊपर। 3 दिन तो हुए अभी, 3 दिन बस, और अभी लेपर्ड दिखा मुझे यहाँ पर। हो सकता है उसी ने मारी होगा। हाँ हाँ यही होगा, बड़ा है पूरा टाइगर के साइज का। वो यार चाल भी उसकी ऐसी थी यार, एकदम टाइगर की तरह। हो सकता है टाइगर ही होगा। नहीं टाइगर नहीं, टाइगर नहीं है। कहाँ देखा बेटा टाइगर? हमने नीचे देखे, उन गमगंगा में देखे। अच्छा, धारी वाला था, डॉटेड वाला था, लाल वाला, लाल वाला था टाइगर। अच्छा कौन सी लोकेशन पे, कौन सी जगह पे? नीचे रामगंगा में देखा। अरे मंदिर ये नीचे मतलब जो शिवालय मंदिर। अच्छा अच्छा अच्छा, दो बार देख दिया हमने। अरे वाह, एक बार तो हमारे टेंट के पास भी आ गया था, दो बार।
को ध्यान देना, और जब सो गए ना अलग अलग करके कुछ नहीं होता है। तो आने का तो आ गया, तो जिसकी आई होगी ना है वो इस वाले एरिया में। चलिए अंकल भाई आप देखो, मिलते हैं कल। देखना क्या, हमें तो कभी नहीं दिखाई दिया, तो हमें आप क्या दिखाई दिएगा। हम अपना हल लेके चलते हैं। अब देखो पहाड़ी भाई हो गया, और अब तो यहाँ आप तो दिखेगा ही दिखेगा। चलिए दोस्तों निकल पड़ा हूँ मैं यहाँ से, सूर्यास्त तो हो चुका है, 7 बजने वाले हैं, और आज बारिश भी काफ़ी अच्छी थी, आपने देखा ही होगा। ये देखिए पहाड़ी मुर्गी, पहाड़ी गाय, पहाड़ी घर। चलिए लपट की साइडिंग हो गई बहुत अच्छे से, अब मिलते हैं आपको सीधा मोहान साइड में। पहुंच गए हैं दोस्तों धनगढ़ी नाले पे, और आज बारिश काफ़ी तेज हुई थी, तो आज इसमें भी पानी चला हुआ है। आज मैं सारे दिन मरचुला था, और हमारे घर के पास जो ग्राउंड है तो उसको पनौद नाला कहते हैं, उसके पीछे जो नाला है पनौद नाला, तो उसमें आज हाथी था, और दिन में 2 बजे, सोचिए। फिर वरुण की मम्मी का फ़ोन आया मेरे पास कि हाथी आया है, क्या करूं, तो फिर मैंने गांव में ही फ़ोन किया और कुछ लोगों को भेजा वहां पर कि हाथी देखो तो कहां पे आया हुआ है। तो वरुण की मम्मी ने जो वीडियो क्लिप बनाई थी वो मैं आपको दिखाता हूं। हो सकता है कि कहीं वो हाथी इधर ही ना मिल जाए मुझे, क्योंकि आज वो इसी वाले एरिया पे रहेगा, और टस्कर है। पहुंच गए जी शॉप पे, अब शॉप समेट के निकलते हैं सीधा घर। पहुंच गए जी घर पे, और सामने देखिए डियर खड़े हैं, ये देखिए।